आपने अपने अपार्टमेंट की पेमेंट की है ना अभी, और इतनी बड़ी गाड़ी भी ले ली क्यों? इरम भाभी के हाथ कोई खजाना आ गया क्या? मुझसे तो बिल्कुल भी मत कहिएगा कि आपने मेरे बिजनेस में कोई घपला नहीं किया। गिंजा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी बात का ऐसे मतलब निकालोगी। अफसोस हो रहा है मुझे, तुम जैसी लालची खुदगर्ज औरत मेरी बहन है। देखिए, जिन लोगों के अमाउंट्स हमने देने, उसके लिए कि आप उधार लेकर उनको दे दें या उनसे बार्गेनिंग करें, और कुछ लोगों से आप इंस्टॉलमेंट पे बात कर लें। यही तो मसला है, पैसे नहीं है हमारे पास। बैंक से लोन लिया है वो अलग सर का दर्द है, मजीद लोन कौन देगा हमें? फिर आपके जो शेयर्स हैं, जो कि अब मुंह मांगी कीमत पे नहीं बिकेंगे, बस उन्हें निकाल दें। मैंने जवाद को खुला का नोटिस भिजवा दिया। क्या सारा, ये तुमने क्या किया? इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती तैमूर। मुझे ये फैसला करने में 6 महीने लग चुके हैं और तुम कह रहे हो कि मैं अभी भी जल्दबाजी कर रही हूँ। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, लेकिन मैंने सोच ली है मुझे अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। मेरे शौहर ने तुम्हें अपार्टमेंट लेकर दिया था, उस पे मेरे बच्चों का हक है। मुझे वापस करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बात सुनो मेरी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे शौहर से शादी किस लिए की थी? हक महल में वो अपार्टमेंट मेरे नाम करे, इसलिए की थी मैंने शादी।